डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर शहर में दीक्षा भूमि में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। इस बंदोबस्त में करीब 6,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। राज्य आरक्षी पुलिस दल व होमगार्ड के जवानों को भी इस बंदोबस्त में तैनात किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती को देखते हुए बुधवार को शाम से ही दीक्षा भूमि ड्रैगन पैलेस के साथ कामठी के जयस्तंभ चौक, इंदौरा के भीम चौक, बेजनबाग, त्रिशरण चौक, सेंट्रल एवेन्यू स्थित डॉक्टर आम्बेडकर चौक आदि स्थानों पर पुलिस का बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर लगभग 400 रैलियों को अनुमति दी गई है। दीक्षा भूमि में 40 पुलिस अधिकारियों के साथ 500 पुलिस जवान QRT की टीम को तैनात किया गया है। इस इलाके में पुलिस का वॉच टावर भी लगाया गया है। दीक्षा भूमि परिसर में जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख ने अधिक जानकारी साझा की। दीक्षा भूमि ये थे माननीय डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जयंती दिनानिमित्त मोठ्या प्रमाणात तयारी दीक्षाभूमी स्मारक समिती यांच्याद्वारे करण्यात आलेली आहे आणि त्यासोबतच पोलीस प्रशासनाद्वारे सुद्धा भरपूर प्रमाणात योग्य बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। हा बंदोबस्त उद्या सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्रीपर्यंत राहणार आहे आणि दीक्षाभूमीला जे पण कोणी नागरिक मोठ्या उत्साहाने दर्शनाकरता येतात त्यांना तिथे दर्शनाच्या दरम्यान कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये किंवा कुठलाही गैरप्रकार तिथे होऊ नये ह्याची चोख व्यवस्था पोलीस प्रशासनाद्वारे ठेवण्यात येणार आहे। आम्हाला आज आपणाच्या मीडिया चॅनलच्याद्वारे असं एक आवाहन लोकांना करायचं आहे की जे पण कोणी दर्शनाला दीक्षाभूमी येथे येतील त्यांनी कृपया जी काही अगदी आवश्यक नियमावली आहे त्याचं पालन करावे। वाहनांचे पार्किंग ज्या ठिकाणी ग्राउंडवर सांगण्यात आलेले आहे त्या ठिकाणी करावे। काचीपुरा चौकातल्या कृषिकुंजचं जे ग्राउंड आहे तिथे एक व्यवस्था राहणार आहे। 8 रस्ता चौकालगत जे एक ग्राउंड आहे तिथे वाहन पार्किंगची व्यवस्था राहणार आहे। त्याशिवाय जे लोक रहाटे कॉलनी चौकाकडनं येतात तर शासकीय ITI आणि त्या ठिकाणचं जे ग्राउंड आहे त्या ठिकाणी पण वाहन पार्किंगची व्यवस्था राहणार आहे। त्याशिवाय दीक्षाभूमीला जे लोक लक्ष्मी नगर चौकाकडनं येतील तर त्या भागाचं जे पार्किंग करता एक ग्राउंडवर जागा दीक्षाभूमी स्मारक समितीनेसुद्धा अवेलेबल करून दिलेली आहे तर त्या ठिकाणी येणाऱ्या दर्शनार्थींनी आपले वाहन पार्क करावे। शक्यतोवर अण्णाभाऊ साठे चौक ते काचीपुरा ह्या दरम्यान कोणीही वाहनं आणू नये कारण की तिथनं मॅक्झिमम दर्शनार्थी हे दीक्षाभूमीकडे जातात आणि तिथे वाहनं आणल्यास जे मंडळी किंवा लहान मुलं वयस्कर नागरिक जे दर्शनाकरता आलेले आहेत त्यांच्या गर्दीमध्ये वाहनांनी त्यांना धक्का लागून काही अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही करिता येणाऱ्या दर्शनार्थींनी तेवढं आम्हाला सहकार्य करावं। त्याशिवाय जेव्हा केव्हा पोलीस प्रशासन आपल्याला आवाहन करतं की गर्दी करू नका तर त्यास आपण आम्हाला सहकार्य करावं ही विनंती आणि सर्व नागपूरकरांना माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131 जयंतीनिमित्तच्या शुभेच्छा धन्यवाद। बता दें कि बुधवार व गुरुवार को पुलिस की साप्ताहिक अवकाश बंद कर दी गई है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने नागरिकों से शांतिपूर्वक ढंग से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील नागरिकों से की है। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy 1 degree 3 job opportunities Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy 365 Gandhinagar LAD College Square beside Karnataka बैंक नागपुर।